हमीरपुर जनपद में जमीनी रंजिश में माँ बेटी को किया लहूलुहान। सरीला नगर का मामला है पूरा, जहाँ पर माँ बेटी को दबंगों ने खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे माँ बेटी बुरी तरह घायल हो गई। वहीं घायल माँ का कहना है कि वह अपने खेत की मेड़ पर बकरियाँ चरा रही थीं, तभी दबंग कृष्ण कुमार, सुखदयाल, विद्या आदि लोग आए और गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट करने लगे। वहीं मौके पर घायल माँ की पुत्री पहुंची तो उसको भी दबंगों ने लात घूंसों से मार मार कर घायल कर दिया। जब दोनों को दबंगों ने खून से लथपथ कर दिया तो वहाँ से भाग खड़े हुए तथा घायल माँ बेटी वहीं पर तड़पती रहीं। फिलहाल राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस चौकी सरीला से SI समेत स्टाफ और 112 नंबर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही घायलों को पुलिस की गाड़ी द्वारा ही अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं जरिया थाना प्रभारी रीता सिंह का कहना है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मम्मी कहाँ पे हैं आपकी? मम्मी वहाँ पे डली है खेत पे। तो बंजू आप तो यहाँ जो हमारी जमीन कब्जा कर ली तो वो तो सब कोई लड़ेगा। मामा ही ने बोली कि इधर मत जो, तो हमारी तो मम्मी आज बकरी चरा रही थी, पापा बाहर गए, आज उन्हें मौका लगा के पीटा है। तो घास काटने आए थे तो मम्मी को बचाऊंगा, तो उन्हें मुझे बहुत ही पीटा। किसने पीटा? कृष्ण कुमार, रामू, सुखदयाल, उसकी पत्नी बेटिया है। मारी थी हम उठा उठा दे दम मारो, घास उड़ा रहे बहुत गसा मर गए, बहुत मरे। किन किन लोगों ने मारपीट की आपसे? वहाँ मारू है चांद ने लोग आई है तीयो कहीं भैंस। नाम बता देना, नाम बताओ। तो नाम विद्या, कृष्ण कुमार, सुखदयाल। इन लोगों को उन्होंने 2-3 बार मारा भी है, FIR हो गई उनकी, उनको पकड़ ले गए, चालान भी कर दिए, यहीं से जमानत हो गई। इन्होंने जो तारबारी की गई उनको कोई टच नहीं किया, लेखपाल द्वारा नपाई की गई, उसने हथबंदी में कहीं और थी और पत्थर गड्ढी में बढ़ा कर दिया। यही कहनी कहनी पर मान लीजिए विवाद करने लगती है, और ना इन्होंने कुछ कहा है। उन किन लोगों ने मारपीट की है? सुखदयाल, सनब गुमान।